नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, मानस क्लिनिक टैगोर नगर लुधियाना से आप सबका यूट्यूब राही स्वागत करता हूँ। हेलो एवरीवन। सो दर्शकों, आज मैं आप सबको इंसोमनिया और ओल्ड एज के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, ओल्ड एज फिजिकल प्रॉब्लम के साथ भी एसोसिएट होता है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट होता है। ओल्ड एज में बेसिक प्रॉब्लम होती है नींद की, नींद कम आती है, नींद की एफिशिएंसी कम हो जाती है इंसान की। ओल्ड एज में नींद बार बार खुल जाती है। इसके अलावा डे नैपिंग भी बहुत कॉमन सी होती है, और जो डीप स्लीप होती है जो कि एक नॉर्मल अडल्ट लेता है या जो बच्चा लेता है, वह ओल्ड एज में नहीं देखी जाती है। अब इंसोमनिया एल्डरली या ओल्ड एज में क्यों होता है, इसके अनेक कारण होते हैं। यदि मैं आपको कॉजेज डिस्क्राइब सबसे पहले बताना चाहूँ तो मेडिकल कॉज होता है। मेडिकल कॉज यानी कि ओल्ड एज में हार्ट की इलनेसेस कॉमन होती है, लंग्स की इलनेसेस कॉमन होती है, हार्ट यानी कि हार्ट फेलियर हो सकता है, पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को COPD प्रॉब्लम हो सकती है, कोई पल्मोनरी फेलियर हो सकता है, या उसको हम बोले पेट की दिक्कत हो सकती है यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो सकता है, या फिर उसको हार्ट बर्न सिम्टम्स हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ क्रॉनिक पेन सिम्टम हो सकते हैं, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है जो कि ओल्ड एज में बढ़ जाता है, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन बढ़ जाती है रात को, उससे स्लीप साइकिल आपका ओल्ड एज में ख़राब हो जाता है। कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं, कुछ एंग्जाइटी सिम्टम्स होते हैं जिसके कारण इंसान की नींद टूट जाती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं जैसे कि अल्जाइमर्स में देखा गया है, या जो डिमेंशिया पेशेंट्स होते हैं उनमें भी नींद की प्रॉब्लम होती है, या पार्किंसोनिज्म में भी स्लीप का डिस्टर्बेंस पाई जा सकती है। एक कंडीशन होती है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया यानी कि एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ऑक्सीजन फ्लो टू द ब्रेन कम हो जाता है, जिसके कारण नींद टूट जाती है। ये भी एक अहम कारण है स्लीप एपनिया का। और स्नोरिंग के कारण भी बहुत से ओल्ड पेशेंट आते हैं जिनमें नींद की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम यानी कि एबनॉर्मल सेंसेशन होती है लेग्स में, और ड्यूरिंग रेस्ट टाइम ये सेंसेशन होती है, जिसके कारण इंसान नींद नहीं पूरी कर सकता। एक कंडीशन होती है प्रियोडिक लेम मूवमेंट होती है, एबनॉर्मल मूवमेंट सी होती है लेम्स में, टोज में हो सकती है, जिसके कारण पेशेंट की नींद टूट जाती है। तो ये है बेसिकली मेरा वीडियो रिगार्डिंग ओल्ड एज और उसके कॉजेज रिगार्डिंग इंसोमनिया। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।